नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्रैनबेरी हिबिस्कस पौधे के बारे में पूरी जानकारी, जिससे बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत कलर में फ्लावरिंग करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने है एक क्रैनबेरी हिबिस्कस के प्लांट, और अभी देखिए इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं, बहुत सुंदर से कलर में अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है। अगर इसकी पॉट की बात की जाए तो 8 से 10 इंच पॉट के अंदर ये बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं। मेरे प्लांट जैसे कि आप देख पा रहे हो कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है, और इसमें ही मेरे प्लांट कितने अच्छे से अभी फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि ये तो परमानेंट प्लांट नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्लांट लगाओ तो नेक्स्ट ईयर से ये प्लांट अपने आप ही सीड से ग्रो हो जाते हैं। मतलब सीड से ग्रो होने वाले बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है ये, जिसके लीव्स भी देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जितने तेज धूप में आप रखोगे लीव्स का कलर रेड होता जाएगा, और अगर आप छांव पे इसे रखते हो तो इसके लीव्स पत्ते की कलर ग्रीन रहेंगे। तो मैं एक बार आज से 2 साल पहले एक प्लांट लाया था खरीद के 20 रुपया देकर नर्सरी से। उसके बाद हर साल मेरे गार्डन में ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। इस साल भी मैं इस प्लांट को ग्रो नहीं किया हूं, और मेरे पास अभी और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो अपने आप ही ग्रो हुआ है। तो इसके अगर पॉटिंग मिक्स की बात की जाए तो थोड़ी रिच सॉइल की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। पॉटिंग मिक्स के लिए मैं सैंड और सॉइल के साथ जो कंपोस्ट मिक्स करने वाला हूं वह है भर्मी कंपोस्ट और नीम डस्ट। ये दोनों ऐड करने से प्लांट का जो सॉइल होगा वो बहुत ही रिच सॉइल बनेंगे। भर्मी कंपोस्ट यूज़ करने से प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और नीम डस्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ। नीम डस्ट एक तो कंपोस्ट है और ऊपर से ये फंगल इन्फेक्शन से भी प्लांट्स को बचाता है। तो हमेशा रिपोर्टिंग या फिर पॉटिंग मिक्स बनाते समय नीम डस्ट का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों, ये तो गया पॉटिंग मिक्स के बारे में, और अगर मंथली फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मैं किसी प्रकार इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे गार्डन में मैं सिर्फ मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ मेरे सभी प्लांट को। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक खाद है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो आप डीएपी और पोटाश का मिक्स दे सकते हो। 10 इंच पॉट के लिए 1 टीस्पून काफ़ी है, या फिर आप एनपीके 10 26 26 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके फ्लावरिंग सीजन जो है ऑलमोस्ट पूरे साल भर ही होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया पे जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे नहीं जाता है, वहाँ पर ये ऑलमोस्ट पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करते हैं। अगर सनलाइट की बात की जाए तो फुल सनलाइट इसे बहुत ही पसंद है, तो हमेशा इसको फुल सनलाइट पे रखा कीजिए, जहाँ पर दिन भर की तेज़ धूप इसके ऊपर गिरे। अगर वाटरिंग की बात की जाए तो पूरे समर सीजन में आप इसे दिन में एक बार अच्छी तरीके से वाटरिंग जरूर किया कीजिए। बरसात और विंटर सीजन में आप अल्टरनेट डेज पर भी वाटरिंग कर सकते हो। अगर पेस्ट की बात की जाए तो व्हाइट मिलीबाग इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अटैक करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे कुछ ब्रांचेस पर भी व्हाइट मिलीबाग का अटैक है। तो इसके लिए मैं रोगर का इस्तेमाल करता हूँ। 10 ड्रॉप रोगर 1 लीटर पानी के साथ मिक्स करके आप हर 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहिए, तो आपके प्लांट से मिलीबाग दूर हो जाएगा। प्लांट्स ग्रो करने के 1 महीने बाद प्लांट के ऊपरी स्तर से आप 2 इंच कट कर दीजिए, तो आपके प्लांट ज़्यादा बुशी होंगे, और इससे आपके प्लांट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स आएंगे और फ्लावरिंग होंगे। तो एक ऐसा हिबिस्कस का वैरायटी है जिसमें बहुत सारे गुच्छों में फ्लावरिंग लगते हैं, और ये
रेडिश पर्पल कलर में फ्लावरिंग करते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों ये तो था क्रैनबेरी हिबिस्कस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, जिसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।